नमस्कार। केस लॉ की अपनी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले वैभव जैन जी, आपको धन्यवाद कि आपने नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा की एनालिसिस करने के लिए मुझे कहा। बहुत अद्भुत मुकदमा है। केस वैसे है तो केवल पुलिस टॉर्चरिंग का, पुलिस की टॉर्चरिंग से एक 22 साल के नवयुवक की मौत हो जाती है। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस करने लायक बहुत कुछ है। इस केस को एनालिसिस करने का तरीका जो होगा वो सबसे पहले फैक्ट्स की बात करेंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज थे जिस एरिया में ये घटना हुई थी, उन्हें डायरेक्शन इशू किया था, वो डायरेक्शन कब इशू किए गए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की रिपोर्ट आती है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि सब कुछ होने के बाद स्टेट अपनी ओर से तर्क दे रहे थे और क्या क्या तर्क उन्होंने दिया। जो सबसे मजबूत जो उनका तर्क था जिस पर यह डिबेट खड़ी है वो है सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। अब सॉवरेन इम्यूनिटी कहते किसे? कस्तूरीलाल रलियाराम वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के मुकदमे में सॉवरेन इम्यूनिटी के नाम पर, सॉवरेन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों के द्वारा किए गए गलत काम को भी ये कह दिया कि इसके लिए स्टेट लायबल नहीं है। क्या था आखिर स्टेट सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, इसको देखेंगे। इस मुकदमे में डॉक्टर का भी एविडेंस होता है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है और डॉक्टर की एविडेंस और फॉरेंसिक रिपोर्ट स्टेट के कंटेंशन को नलीफाइड करने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। इसके बाद दिव्य तरीके से जस्टिस जे एस वर्मा, ए एस आनंद और एन वेंकट चालिया ने डिस्कस किया है कि आखिर ये सॉवरेंटी, जो सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है और क्या टॉर्ट के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आर्टिकल 32 और 226 में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की चीजों को देख रही हो, तब क्या आप सॉवरेन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना प्ली लेने के लिए, अपना डिफेंस लेने के लिए। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है रिफर करती है ट्रिनिनाद और टोबैको के, ट्रिनिनाद और टोबैको के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन नंबर 6 की ओर, और वहां पर एक केस को वो रिफर करते हैं। केस का नाम है महाराज वर्सेज अटॉर्नी जनरल ऑफ ट्रिनिनाद एंड टोबैको, और वहां के जजमेंट को कोट करके सुप्रीम कोर्ट लेके आती है बताने के लिए कि क्या डिफरेंस है आर्टिकल 32 226 में जब सुप्रीम कोर्ट कंपनसेशन अवार्ड कर रही है और टॉर्ट के अंतर्गत जब लायबिलिटी फिक्स करती है, दोनों में क्या अंतर है। और लास्ट में यहां डिस्कस जो किया गया वो कहा गया कि सिविल कंपनसेशन के, सिविल कंपनसेशन और आर्टिकल 32/226 में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंपनसेशन अवार्ड कर रही है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो नीलावती बेहरा का यह मुकदमा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सॉवरेन इम्यूनिटी को समझने के लिए। सिविल कंपनसेशन वर्सेस एक्स ग्रेशिया या कह लीजिए एग्जाम्पलरी जो कंपनसेशन यहां प्रोवाइड किया जाता है, इसमें क्या डिफरेंस है, और टॉर्शियस लायबिलिटी को फिक्स करने और यहां पर 32/226 में जो लायबिलिटी फिक्स करने की बात होती है, क्या वहां पर आप सॉवरेन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 3-4 क्वेश्चंस को पूरी तरह से डिस्कस किया और इसको एलोबोरेट करके समझाया और किसको प्रीवेल कराया, जस्टिस को प्रीवेल कराया गया। शुरू करते हैं नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का मुकदमा, 1993 की ये केस है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फैक्ट क्या था। तो देखिए कहानी की जो शुरुआत होती है वो नीलावती बेहरा एक लेटर लिखती है सुप्रीम कोर्ट के नाम, एक सिंपल सा लेटर लिखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के नाम, और ये पत्र पहुंचता है 14 सितंबर 1988 को। 14 सितंबर 1988 को एक पत्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिसीव होता है। किसने लिखा ये लेटर लिखने वाली थी नीलावती बेहरा। ऐसा क्या था इसमें, नीलावती बेहरा ने यहां पर बताया कि नीलावती बेहरा का एक बेटा था जो 22 साल का था जिसका नाम सुमन बेहरा था।
सुमन बेहरा, ये कितनी इसकी एज, 22 साल की इसकी एज थी। सुमन बेहरा को अरेस्ट किया गया था 1 दिसंबर 1987 को, इसको अरेस्ट किया गया था। अभी फैक्ट चल रहा है, 1 दिसंबर 1987 किसने अरेस्ट किया था? उनका कहना था कि इनको, सुमन बेहरा को उसके घर से अरेस्ट किया था शरद चंद्र बारिक ने, शरद चंद्र बारिक। ये कौन थे? ये असिस्टेंट एसआई थे। कहां के? ये असिस्टेंट एसआई थे जेराई केला पुलिस आउटपोस्ट, जेराई केला पुलिस आउटपोस्ट किस थाने के अंतर्गत था ये? तो थाना यहां था बिरसा, पुलिस स्टेशन बिरसा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी आई? डिस्ट्रिक्ट आई सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहां की? उड़ीसा। 1 दिसंबर 1987 को सुमन बेहरा को सुबह 7 बजे घर से अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करते हैं शरद चंद्र बारिक जो कि असिस्टेंट एसआई थे जेराई केला पुलिस आउटपोस्ट में, पुलिस स्टेशन बिरसा। जिले का नाम यहां पर आया सुंदरगढ़, डिस्ट्रिक्ट का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है उड़ीसा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 1987 दोपहर में 2 बजे नीलावती बेहरा को पता चलता है कि उनके 22 साल के बेटे का शव जो है वो जेराई केला जो रेलवे स्टेशन है वहां ट्रैक पे फेंका हुआ है और बहुत बुरी तरह से इंजरी है, इंजर्ड हालत में इनके बेटे का शव वहां पर है। अब इसमें आगे की स्टोरी चलना शुरू होती है कि यहां पर पुलिस एक स्टोरी बनाती है, पुलिस एक स्टोरी पेश करती है। पुलिस के लोगों से जो स्टोरी पेश की गई, जो नीलावती बेहरा को बताया गया कि हमने अरेस्ट किया था 1 दिसंबर 1987 को, तुम्हारा बेटा हमारी कस्टडी में था और जिस पुलिस वाले की कस्टडी में था कांस्टेबल छबीबुल कुजूर, कांस्टेबल छबीबुल कुजूर, छबीबुल कुजूर इसकी कस्टडी में था। रात को तीन बजे मतलब 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह, रात को 3 बजे किसी तरह से वो लड़का जो है सुमन बेहरा अपनी हथकड़ी तोड़ता है, उस रस्सी को काट लेता है चबा चबा कर, स्टोरी समझिएगा, दांतों से चबा चबा कर पुलिस ने जो रस्सी बांधी थी उसको वो तोड़ देता है, उसको वो खा जाता है। बहुत अच्छा। और उसके बाद ये छबीबुल कुजूर साहब जो है जो उसकी देखरेख कर रहे थे, जिसकी कस्टडी में था, वहां से वो भागता है और भाग करके अपने घर नहीं जाता है, भाग करके वो रेलवे स्टेशन जाता है। अब रेलवे स्टेशन जाता है तो हो सकता है ट्रेन पकड़ ली गई हो, नहीं उसे ट्रेन नहीं पकड़नी थी, उसे ट्रेन के नीचे आना था और इस भागम भाग में वो क्या किसी ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी डेथ हो गई। इतनी कहानी पुलिस वालों ने रखी। अब जब ये प्रेम पत्र सुप्रीम कोर्ट को मिला इस घटना के बारे में, इतनी ऐतिहासिक घटना जो हुई, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने यहां डिस्ट्रिक्ट जज सुंदरगढ़ को डायरेक्शन इशू किए। कब इशू किए और क्या इशू किया डायरेक्शन में, अब देखिए। डायरेक्शन इशू किए गए हैं 4 मार्च 1991 को डायरेक्शन इशू किया गया सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज को। क्या डायरेक्शन दिए गए? डायरेक्शन दिया गया कि यहां पर नीलावती बेहरा अपनी बात लेकर प्रस्तुत हो, साथ में वो जो असिस्टेंट एसआई शरद चंद्र बारिक, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से दूसरे लोग और कांस्टेबल जिसके की कस्टडी से वो भागा था छबीबुल कुजूर, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट का कहना था, ये सारे लोग पेश हो। और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज से कहा गया कि आप इस मामले में इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट हमें सुप्रीम कोर्ट को सौंपें। तो पहली चीज देखिए, यहां पर
जनरली आप देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट 32 और 226 में रिट्स को लेती है, तो यहां पर लीलावती बेहरा ने यह चीज दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को डायरेक्शन इशू कर सकती है, उनसे इंक्वायरी करवा सकती है। पहली चीज तो यह भी समझ के चलिए कि 32 के पावर में यह भी एक पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और 4 मार्च 1991 से सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना काम करना शुरू किया, इंक्वायरी करनी शुरू की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 4 सितंबर 1991 को सुंदरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में बड़े साफ तरीके से उन्होंने कहा कि जो डेथ हुई है वो पुलिस कस्टडी में मल्टीपल इंजरीज के कारण हुई है। मल्टीपल इंजरीज के कारण यह डेथ हुई है। और उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ टॉर्चर किया गया, उसका टॉर्चरिंग। चलिए साहब, अब यहां से रिपोर्ट आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपना कंटेंशंस देती है, अपने ऑब्जेक्शंस देती है। और ऑब्जेक्शन देकर फिर वही कहानी दोहराते हैं कि अगर वो लड़का भागा नहीं होता तो इस तरीके की कोई घटना होती ही नहीं। पहली चीज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अभी भी नहीं मान रही है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 2-1 दिसंबर की रात और 2 दिसंबर के सुबह में वो अपनी रस्सी को दांत से काटता है और काट करके वहां से भागता है, और भागकर सीधे रेलवे स्टेशन जाता है और ट्रेन के नीचे आ जाता है। इतना ही हुआ था। अब इस कहानी में काफी झोल थे। झोल क्या था? पहला झोल ये कि उस बच्चे की एक्सपायरी के समाचार 2 दिसंबर को सुबह 5-5:30 बजे के आसपास ही थाने के लोगों को लग जाती है, लेकिन वो डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं 12:30 बजे के बाद, दिन में 12:30 बजे के बाद। इसका कोई जस्टिफिकेशन वो नहीं दे सके। नंबर सेकंड, यहां पर डॉक्टर का एविडेंस कराया गया था। डॉक्टर ने जो एविडेंस पेश किया था उसमें साफ था कि यहां जो बॉडी को जो चोट लगी है, जो सुमन बेहरा को जो चोटें लगी हैं, वो रेलवे ट्रैक से नहीं है, रेलवे से हुए एक्सीडेंट के कारण नहीं है, बल्कि क्या है, ये जो हड्डियां टूटी थी ये पुलिस टॉर्चर के परिणाम थे। ये डॉक्टर का एविडेंस था। पुलिस ने जो कहानी बताई थी उसमें एक और भयानक झोल नजर आया, गैप नजर आया। क्या? पुलिस ने कहा कि उसने दांतों से अपनी रस्सी जो है वो काट ली थी। पुलिस वालों की रस्सी आप कभी अगर देखिए तो आपको समझ में आएगा, 2-4 आदमी भी मिलकर अगर उसको दांत से काटे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वार उड़ीसा की पुलिस क्या कहानी दी है। फोरेंसिक की रिपोर्ट में उस रस्सी की भी एनालिसिस की गई, और वहां पर रिपोर्ट ये आई कि रस्सी के 2 टुकड़े जो पुलिस वालों ने पेश किए हैं वो एक रस्सी के तो है ही नहीं। मतलब आप पुलिस जो रिवॉल्वर पेश करती है उससे गोली नहीं चली होती है, जो बम पेश करती है वो मतलब खराब होता है, वहां तक तो चलिए चल रहा था। यहां पुलिस वालों ने जो रस्सी पेश की यार, वो भी एक रस्सी के 2 टुकड़े इकट्ठा नहीं कर सके, भगवान जाने क्या कर रहे थे। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहानी में झोल दिखा रही थी, कहानी में गैप दिखा रही। अब स्टेट ने एक नया कॉन्सेप्ट लगाया और स्टेट ने सहारा लेना चाहा सॉवरेन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट का। और यह कहानी वो लेकर आए कि देखिए साहब, पुलिस का जो काम है वो एक सॉवरेन नेचर का काम है, और सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि सॉवरेन फंक्शन के किए गए कामों के लिए स्टेट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर स्टेट ये सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से। अब इसको समझिए, एक मुकदमा आता है कस्तूरी लाल रलिया राम वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का केस आती है। इस केस में क्या हुआ था, सोने चांदी के आभूषणों के व्यापारी थे, वो अपना कुछ सामान लेके जा रहे थे, पुलिस वालों ने उन्हें रोका जम्मू कश्मीर में। उन्हें रोका कि ये कि हमें आपके ऊपर शक है, थोड़ी जांच करेंगे। उसके पास जो सामान था उसको लेकर के उन्होंने पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख लिया, और कस्टडी में रखने के बाद अगले दिन जब ये
उसकी ओर से दिया गया कि उसकी कहीं कोई संलिप्तता थी नहीं किसी अपराध में किसी चीज में, तो उसे रिलीज किया गया। जब उसने अपना वो सोना चांदी मांगा तो पता चला कि जिस पुलिस वाले ने कस्टडी में लिया था वो सारा सामान लेकर के पाकिस्तान भाग गया। अब उसने मुकदमा कायम किया कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था, यह मुकदमा टॉर्ट के अंतर्गत आया था और वहां से स्टेट की ओर से प्ली की गई थी सॉवरेन इम्यूनिटी। अब सॉवरेन इम्यूनिटी में जरा समझिए क्या कॉन्सेप्ट है सॉवरेन इम्यूनिटी का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सॉवरेन इम्यूनिटी को रिकॉग्नाइज किया था। अब सॉवरेन इम्यूनिटी को जब आप खोजने जाएंगे ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिखाई देगा कि वैसे ही यह इम्यूनिटी मिलेगी कि मतलब कह लीजिए कि स्टेट के लोगों के किए कामों के लिए स्टेट उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा जितना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया है। अब जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि वैसे ही लाइबल होंगे जैसे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ है। चलिए साहब बहुत बढ़िया। अब आप 1858 में जाएंगे तो वो 1815 की ओर इशारा करेगा, करते 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 आपको चला जाएगा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जितना अपने लोगों जितना अपने कर्मचारियों के किए कामों के लिए लायबल होती थी उतनी ही लायबिलिटी हम बियर करेंगे। इसका सीधा मतलब ये। अब इसके इंटरप्रिटेशन की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसको इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करके ये समझाया कि जहां स्टेट मशीनरी कोई ऐसा फंक्शन कर रही है जो फंक्शन वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के जो सैनिक हैं इनको खाना प्रोवाइड करना है, इनको खाने की सप्लाई करनी है, तो ये खाना प्रोवाइड करने वाला जो मैकेनिज्म है जो काम है ये आप प्राइवेट हैंड्स में नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा और इसमें इन लोगों की लाइफ और उनके साथ साथ उनके स्वास्थ्य मैटर जुड़ा है, इसलिए आप इसे प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते। तो इस फंक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सॉवरेन फंक्शन है और अगर इस दौरान जो लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उनसे कोई टॉर्शियस काम हो भी जाता है तो यहां पर स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अगर स्टेट कोई ऐसे काम संपादित कर रहा है जिन्हें हम प्राइवेट हैंड्स में जिन्हें हम दूसरे के हाथों में दे सकते हैं, जैसे अब जैसे कि आप यह समझिए कि मान लीजिए स्टेट जो है वो बस चलवा रहा है, सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है, तो ये जो बस चलवाने वाला कॉन्सेप्ट है, बस चलवाने वाला काम है, ये प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, उनको दिया जा सकता है। तो अगर स्टेट भी बस चलवा रहा है और बस के ड्राइवर कंडक्टर से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए स्टेट कॉरपोरेशन लायबल होंगे, वो फंक्शन सॉवरेन फंक्शन नहीं कहा जाएगा। अब जम्मू कश्मीर वाले केस में पुलिस की एक्टिविटी को, पुलिस ने जो सामान को अपनी कस्टडी में लिया, पुलिस ने जो उस आदमी को अपनी कस्टडी में रखा, इस काम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सॉवरेन फंक्शन है, पुलिस का ये जो काम है ये आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। तो वहां उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया था सॉवरेन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पर। कस्तूरीलाल रलियाराम के केस में यह कहा गया कि स्टेट लायबल नहीं होगी। अब नीलावती बेहरा के केस में भी इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने के लिए कंटेंशन दिए गए, तर्क दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट को एनालिसिस करनी थी टॉर्ट में डिस्कस किए गए सॉवरेन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को और इसका कंपेरिजन करना था आर्टिकल 32 और 226 में जो सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से कहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ड्यूटी बनती है कि जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार रखते हैं 32 और 226 में। तो जब लोगों का अधिकार है तो आपकी ड्यूटी है। अब इन दोनों के बीच के कहिए कि रिश्ते को परिभाषित करना था और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो थ्योरी का इस्तेमाल किया है उसके लिए वो जाते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं, सेक्शन नंबर 6 को देखते हैं। और त्रिनिदाद और टोबैगो के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सेक्शन 6 का कहना है कि जब पब्लिक लॉ का वायलेशन किया जाएगा, तो हाईकोर्ट जो है वहां की हाईकोर्ट इंपावर्ड है रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए।
उस कॉन्सेप्ट को, सेक्शन 6 के उस कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया और सुप्रीम कोर्ट लेके आती है जस्टिस डिप्लॉक का डिसीजन। जस्टिस डिप्लॉक का जो डिसीजन आया, ये प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है और प्रिवी काउंसिल का ये जजमेंट जिस केस में आया वो केस जान लीजिए इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है इन केस ऑफ महाराज वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ ट्रिनिडाड और टोबैगो। महाराज वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। जस्टिस कौन बैठते हैं? जस्टिस बैठते हैं डिप्लॉक। जस्टिस डिप्लॉक ने ये जजमेंट दिया, प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, और वहां पर इन्होंने कहा कि जब पब्लिक लॉ का वायलेशन होगा, पब्लिक लॉ मतलब अब ये इसको सेपरेट कर रहे हैं प्राइवेट लॉ से, प्राइवेट लॉ का मतलब ये सेपरेट कर रहे हैं सिविल लॉ से, और कहते हैं कि जब जो स्टेचुटरी ड्यूटीज हैं अगर उसका उसको पूरा नहीं किया गया है, अगर उसके पूरा करने में कहीं गलती हुई है, उसमें कोई इंजरी कॉज हुई है, तो वहां पर कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाएगा, वहां किसी भी तरह से सावरन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेगा। अब इस जजमेंट को महाराज वर्सेज अटॉर्नी जनरल ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ले आती है नीलावती बेहरा के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिस्कस किया। अब पॉइंट क्या उठा था? पॉइंट उठा था कि क्या डिफरेंस है। पहली बात तो यह उठी कि क्या सावरन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो जस्टिस ए एस आनंद साहब ने एक पैराग्राफ कोट किया और कहा कि कस्टोडियल डेथ की जब बात आएगी तो यह दुनिया का वर्स्ट क्राइम है। क्यों? यह वर्स्ट क्राइम इस कारण से है कि चाहे आप हॉब्स, लॉक, रूसो किसी को भी मानने वाले हो, चाहे आप लेविथा का कॉन्सेप्ट माने या कुछ भी माने, लोगों ने अपने राइट सरेंडर किए हैं स्टेट को। किस लिए? कि उनकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्टेट उठाएगा, और यह जिम्मेवारी पुलिस के अधिकारियों की है, प्रिजन के अधिकारियों की है, और अगर इसमें किसी भी तरीके की चूक होती है, किसी भी तरीके की रॉन्ग एक्टिविटी की जाती है, तो वहां पर यह जो क्राइम है यह दुनिया का वर्स्ट क्राइम है। और ऐसे सर्कमस्टांस में सावरन इम्यूनिटी के नाम पर जो सावरन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है आपके टॉर्ट के अंतर्गत, उसके नाम पर यहां पर लाइबिलिटी फिक्स करने से हमें नहीं रोका जा सकता है। एक तरफ इन्होंने महाराज वर्सेज अटॉर्नी जनरल को ले आए, यहां प्रिवी काउंसिल ने यह जजमेंट दे रखी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कोर्ट किया, साथ में यह समझाया कि जो पावर और ड्यूटी आर्टिकल 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है, ये सामान्य सिविल जो राइट्स बनते हैं उनसे अलग है। और वैसे भी अगर आप एचएलए हार्ट को पढ़िए तो वो वैसे भी कहते हैं, या आप कह लीजिए कि ग्रैंड नॉर्म का कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कहते हैं सुप्रीमा लेक्स है, एक तरीके से ये सुप्रीम कानून है। और अगर उस सुप्रीम लॉ के अंतर्गत आर्टिकल 21 जो लोगों के लाइफ और लिबर्टी की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता है, उनको अधिकार देता है, उसका वायलेशन किया गया और 32 और 226 में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंपावर्ड हैं जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, या कहिए कि उन फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कंपनसेशन अवार्ड हम कर रहे हैं आर्टिकल 32 और 226 में, ये सिविल कंपनसेशन से अलग है। सिविल कंपनसेशन में पार्टी अभी भी फ्री है कि वो सिविल मुकदमा कायम करे और कंपनसेशन जो बनता है वो ले। हम यहां जितना कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं, इस कंपनसेशन को जो हम अवार्ड करेंगे, अगर कभी ऐसा सिविल कंपनसेशन की बात आई तो उसमें आप डिडक्ट कराइएगा, लेकिन ये सिविल कंपनसेशन से एक अनदर, एक दूसरे तरीके का ये कंपनसेशन है। इसको इन्होंने एक तरीके से कहा एग्जम्पलरी पनिशमेंट है। और यहां पर आखिर क्या दिलाया गया? यहां पर स्टेट को कहा गया कि आप 1.5 लाख रुपए
1.5 लाख रुपीस की आप एफडी करेंगे नीलावती बैरा के नाम पर 3 साल के लिए। इस एफडी से 3 साल तक नीलावती बैरा को जो इंटरेस्ट आएगा वो मिलेगा और 3 साल के बाद ये पैसा नीलावती बैरा को मिल जाएगा। साथ ही स्टेट लायबल होगा 10,000 रुपए देने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की आपको कौन सी काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट की एक सेकंड रुक जाइए, क्या उस कमेटी का नाम है, एक स्पेसिफिक नाम लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी को 10,000 रुपए आप देंगे। तो 1.5 लाख रुपए की एफडी के तरीके से दिलाया गया नीलावती बैरा को और 10,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी के लिए, क्योंकि सारा इन्होंने तो केवल लेटर लिखा था, बाकी सारी चीजों की तैयारी, बाकी सारी चीजों का काम तो लीगल एड कमेटी ने किया था। अब इसके बाद मुकदमा यही खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम स्टेट गवर्नमेंट को फ्री छोड़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ये जो पैसा देगी, अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से इंक्वायरी करे, अपने लेवल पे जो करना है करे, कि वो जो असिस्टेंट एसआई है वो इसमें, वो जो कांस्टेबल है वो, और दूसरे कौन से लोग यहां पर लायबल थे उनसे ये जो 1.5 लाख रुपए आप कंपनसेशन स्टेट दे रही है, इनमें से कौन कितने दूर तक के लिए लायबल होगा ये स्टेट गवर्नमेंट देखे, स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से जिसकी जो पोजीशन हो उस हिसाब से लायबिलिटी फिक्स करे। तो यहां इस मुकदमे में, नीलावती बहरा केस, इंपॉर्टेंट केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्सेप्ट चल रहा था सावरन इम्यूनिटी का, टॉर्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसको आर्टिकल 32 और 226 के केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के केस में, इसको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा वहां पर हम स्टेट को इस कारण से नहीं बचने देंगे, इस कारण से वो नहीं बचाव ले सकते हैं कि वो सावरन इम्यूनिटी है, उनके पास सावरन इम्यूनिटी का एक ब्लैंकेट मिला हुआ है। दूसरी बात, सिविल कंपनसेशन से अलग किया, जो कंपनसेशन को अवॉर्ड कर रहे हैं आर्टिकल 32 और 226 में, इसको इन्होंने कहा कि ये सिविल कंपनसेशन नहीं है। सिविल कंपनसेशन करने का मतलब कि आप टॉर्ट करते हैं, टॉर्शियस लायबिलिटी आपके ऊपर फिक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने जो ड्यूटी है वो नहीं निभाते तो वहां आपको डैमेजेज मिलता है, इस तरह की जो कंपनसेशन की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा वो सिविल कंपनसेशन है, हम जो आर्टिकल 32 और 226 में कंपनसेशन अवार्ड कर रहे हैं ये सिविल कंपनसेशन से अलग है, और इसको इन्होंने एग्जाम्पलरी मोड कहा, एग्जाम्पलरी मोड ऑफ कंपनसेशन कहा, या कह लीजिए एग्जाम्पलरी पेनाल्टी एक तरह से उन्होंने कहा। यहां पर अब यहां समझिए, इतनी सारी चीजें इस केस में आई। अब यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको सावरन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद सिविल कंपनसेशन और आर्टिकल 32 226 में जो कंपनसेशन है दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है, और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो केस कौन सी है जिस केस को बेस बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, जो ट्रिनिडाद और टोबैगो की केस है वो केस का नाम कौन सा है, सेक्शन कौन सा है ट्रिनिडाद और टोबैगो के कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्शन 6 याद रखिएगा, और यहां पर जस्टिस डिप्लॉक का डिसीजन महाराज वर्सेज अटॉर्नी जनरल ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी एनालिसिस पर्याप्त होगी आपको इस मामले को समझने के लिए। तो केस लॉ की अपनी सीरीज में एक और मुकदमे के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।